नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहिन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने पत्रकार वार्ता में सांसद विजय बघेल की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल। कहा पाइप टंकी ढहने से जहां लोग जल संकट से जूझ रहे हैं, वहीं सांसद लोगों की सेवा करने की बजाय खिंचवा रहे हैं फोटो। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने सनातन धर्म के खिलाफ की गई टिप्पणी को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा सनातन संस्कृति का बढ़ना गौरव विरोधियों को नहीं हो रहा हजम। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ भरोसे के सम्मेलन में पहुंचे। ग्राम ठेकवा राजनांदगांव सहित 3 जिलों को दिए 355 करोड़ 23 लाख रुपए के विकास कार्यों की सौगात। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव विकास खंड के ग्राम ठेकवा में भरोसे का सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा मल्लिकार्जुन खड़गे और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा राजनांदगांव मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी एवं खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिले के लिए 355 करोड़ 23 लाख रुपए की लागत के कुल 1,867 विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भरोसे के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आज भरोसे के सम्मेलन में आप सभी के बीच हम उपस्थित हुए हैं। यहाँ खूब बारिश हो रही है, अन्नदाता बहुत खुश हैं। अब तक 4 भरोसे का सम्मेलन हो चुका है, आज हमारे बीच खड़गे जी पुनः आए हैं। ये मुक्ति बोध की धरती है, हमारे लोक कलाकारों की धरती है। राजनांदगांव संस्कार धानी है, यहाँ से निकले बड़े कलाकारों को मैं नमन करता हूँ। आज भरोसा के सम्मेलन लगातार पहली सरगांव में करें, चरण भैया महाराज साहब चौबे जी हम सब गे रहे, उन्हें बटन चप के रहे किसान मल्ला पहली किस्त दे रहे हैं साल के। दूसरा सम्मेलन हुई भरोसा के बस्तर में, ये मैं प्रियंका जी आयरी से। तीसरा सम्मेलन हमार दुर्ग में हो रही से, वो मैं सब साथी मन उपस्थित रही से। चौथा सम्मेलन हमर चांपा जांजगीर में खड़गे साहब के उपस्थिति में करा रहे हैं। आज फिर राजनांदगांव आए है, आओ कर हम स्वागत करा था, अभिनंदन करा था, जोरदार ताली बजा के स्वागत करो। ये धरती मुक्तिबोध के, ये धरती हमर साहित्यकार मन के, ये धरती हमर लोक कलाकार मन के, वो सबल सुरता करते हुए प्रणाम करते हुए नांद गांव ऐसे संस्कार धानी के रूप में जाने जाते साहित्यकार और कलाकार मन के। बड़े बड़े कलाकार ये धरती से निकले है, वो सब नमन करते हुए, धरती नमन करते हुए अपन बात के शुरुआत में करा था। ये मन ठगे एक बूता करते, कभू महिला मन लटक थे, कभू किसान लटक थे, कभू आदिवासी मन लटक थे। जर्सी गाय धूं करके गेरवा मन रखे रखे सर गए, लेकिन जर्सी गाय नहीं मिली। लेकिन गाय के नाम से मन वोट मांग लेते, लेकिन गौ माता की सेवा नहीं करे। हम 2 रुपया किलो में गोबर खरीद था। अभी कलेक्टर साहब पूरा रिपोर्ट बताए, मुल बताया कि जरूरत नहीं है। तो आज चाहे वो गौ पालक हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे बेरोजगार साथी हो, सब ला पैसा देते नमन। हमन हर 15 दिन में गौपालक मन ला गोबर के पैसा, वर्मी कंपोस्ट पैसा 15 दिन में बटन चपकता तुम्हारे खाता में पैसा जाता। हर महीना में बेरोजगारी भत्ता देता, नहीं थी बटन चपकता बेरोजगार साथी मन के खाता में पैसा जाती। हर 3 महीना में बटन चपकता किसान मन के खाता में पैसा जाते, 24 लाख किसान के खाता में पैसा जाते। ये थी बटन चपकता तेंदुपत्ता संग्राहक लघु उम्र पर संग्राहक एकर मन के खाता में पैसा जाते। और कहो धोखा से कमल में कहो तुम बटन दबाए। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ महातारी। ये संस्कार की भूमि राजनांदगांव की पावन धरा को मैं प्रणाम करता हूं। मंत व्यासीदास ठाकुर प्यारेलाल सिंह, कुंज बिहारी चौबे जिले के निर्माता स्वर्गीय किशोरीलाल शुक्ल
स्वतंत्र सेनानी कन्हैया लाल जी, इन सभी को मैं नमन करता हूं, जो 100 साल के यशस्वी जीवन के बाद कन्हैया लाल जी अपने समय पहले ही दिवंगत हुए थे। ये राज गुरु घसीदास की, शहीद वीर नारायण जी की धरती है और रविशंकर शुक्ला जी जैसे कई अनेक दिग्गज नेताओं की ये भूमि है। यहां हमारी पीसीसी बिल्डिंग का उद्घाटन मैं सुना 1939 में सरदार पटेल ने अपने हाथों से किया था, ये इतिहास है। छत्तीसगढ़ का इतिहास ये बलिदान का इतिहास है, ये भाईचारा और सांप्रदायिक की धरती है और सद्भाव की धरती है। 13 अगस्त 2023 को जानगिरी में भरोसे का सम्मेलन में मैं आया था। अभी आते वक्त उनको पूछा, मिनी माता जी की याद में वहां पर एक मेडिकल कॉलेज खोलने का उन्होंने घोषणा की थी, तो मैंने पूछा वो कब हो रहा है। तब उन्होंने कहा कि और 2 मेडिकल कॉलेज आने वाले हैं, उसी के साथ हम मेडिकल कॉलेज वहां उनके याद में करेंगे, ये भूपेश जी ने मेरे को भरोसा दिया। और आप भी भरोसे पे जी रहे, मैं और हमको जो मिलना था ये हमारे हक के पैसे, छत्तीसगढ़ के लोगों के पैसे। न्यू पेंशन स्कीम में कर्मचारियों की जमा 19,000 करोड़ रुपए फंसे हैं, वो दे रहे नहीं, और ऊपर से कहते हैं हम सब कुछ जो मिलना है दे रहे हैं, लेकिन 19,000 करोड़ ये नए स्कीम में नहीं मिला अभी छत्तीसगढ़ को। इसके बावजूद भी हमारे कार्यक्रम रुके नहीं, कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम रुके नहीं, कांग्रेस सरकार के काम रुके नहीं। भूपेश बघेल और उनके साथी सभी मिलके आगे दौड़ रहे हैं और वो बाकी के लोग पीछे देख रहे हैं। और एक दुख की बात है, मेरे को ये छत्तीसगढ़ बड़ा महत्वपूर्ण है मेरे लिए, क्योंकि मैं जो चुना गया हूं अध्यक्ष, वो छत्तीसगढ़ के लोगों के आशीर्वाद से और यहीं पर सेशन हुआ, मैं कामयाब हुआ। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी सभी ने मिलके और आप सब लोगों ने मिलके मुझे यहां पर रायपुर में आपने चुना। आज मैं अध्यक्ष जो हूं ये रायपुर के लोगों के वजह से, छत्तीसगढ़ के लोगों के वजह से। लेकिन जब छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य फेडरेशन के बैनर तले नया रायपुर में आयोजित अनिश्चितकालीन हड़ताल में पहुंचकर भाजपा चुनाव घोषणा पत्र समिति के संयोजक एवं पाटन विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी विजय बघेल ने स्वास्थ्य कर्मियों के मांग का समर्थन करते हुए उनकी आवाज बुलंद की। विजय बघेल ने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री के बीच की अंतर कलह का भुगतान स्वास्थ्य कर्मियों को भुगतना पड़ रहा है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव अपना वादा निभा
आकर मांग पूरी नहीं कर सकते तो पंचायत विभाग की तरह आप स्वास्थ्य विभाग से भी इस्तीफा दे दें। अपने संकल्पों को पूरा करने, अपने अधिकार की लड़ाई में आज आप डटे हुए हैं, वो अधिकार आपको मिले और आपकी मांगे पूरी हो। जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और फिर से एक बार भगवान आपको ताकत दे, हिम्मत दे, हौसला दे और आप अपने अधिकारियों की लड़ाई में जीत हासिल करें। स्वास्थ्य मंत्री के बाद बात रहे थे, उन्होंने क्या कहा कि मैंने सुना जो आपके इच्छा करते बताया, कई गरीब चलती नहीं है, वो फिर उन्हें सुनता नहीं है, तो भैया स्वास्थ्य मंत्री के हिस्से पर होना उसी को तो आप मान रहे हैं। आपने कहा है और आप ये बोल रहे हैं इतना बड़ा समर्थन प्राप्त किए, तो मैं राष्ट्र से निवेदन करता हूं, मैं प्रार्थना करूं कहा अध्यक्ष जन्माष्टमी के लिए मेरे को जब गंभीर लोग गए जब सुनाने तो मैं ये निवेदन किया, मैं आऊंगा लेकिन हाथ को कि आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप लोग यह अनशन समाप्त कर दें। इसके ऊपर विश्वास करके बैठे हैं आप, जो कार्रवाई न कर रहे, जो झूठा कार्य हो चुका है और जिनके ऊपर जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं का भी भरोसा हो गया है, वकील है सब का मुकेश है तो भरोसा है, इनकी जो मेहरबानी फैसला थी वो सारे की सट को करवा दी, नहीं चलेगा भरोसा भरोसा है, सब उनकी पार्टी को उसका भरोसा है, आप तो क्यों करते हैं। और जो इन लंबित हुए हैं तो यथावत यूपी मांगे इन्हें साफ करते हुआ रहेगा।
आप सबसे वादा करता हूं और आप सब को फिर से एक बार इस महोत्सव की बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आपके संघर्ष के इन दिनों को मैं हमेशा अपने दिल में बताया हूं। जब भी ऐसा वक्त आया तो हमसे जो वक्त पड़ेगा हम आपसे करेंगे। इसके एक बार घोषणा पत्र समिति भारतीय जनता पार्टी की ओर से आप सबका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इसके बाद में कुछ उदर्श है और आज जिस तरीके से भारतीय कॉलेज भी आप उतने लेकर होते हैं, छोटे छोटे बच्चे को लेकर बहनों की बहुत पीढ़ी जो आप जारी रहती है, घर के माता पिता की, घर के साथ की, पति की, बच्चे की, सभी प्रकार की जिम्मेदारियों से आप सब मुक्त होकर अपने अधिकार की लड़ाई से लगे हैं। तो आपको अपने अधिकार मिले और निश्चित रूप से मिले, इसके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने सनातन को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भगवान राम के अस्तित्व को नकारने वाली सनातन विरोधी कांग्रेस सोनिया गांधी और मिशनकारियों की मिलीभगत है। इन सभी ने हमेशा सनातनियों की आस्था पर हमला किया है। आज सनातन संस्कृति का बढ़ता गौरव इन सनातन विरोधियों को हजम नहीं हो रहा है। डॉक्टर सिंह मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि भाजपा प्रदेश व्यापी परिवर्तन यात्रा निकालने जा रही है। हम अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों और गांव-गांव जाकर जन जन तक भाजपा सरकार के पिछले 15 वर्ष के विकास कार्यों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 9 वर्ष की उपलब्धियों से जोड़ेंगे। साथ ही भूपेश बघेल सरकार के काले कारनामे भी जन जन तक पहुंचाएंगे। बैठ के भी लेंगे, किस तरह देखते हैं। सवाल इस बात का रह गया कि जो कांग्रेस ने जो पहले जो शुरुआत किया था अपने प्रचार अभियान का, टैग लाइन उनका जो बना हुआ था वो भूपेश है तो भरोसा है। कांग्रेस ने रणनीति की फैसला किया, केंद्रीय नेतृत्व कांग्रेस ने, कि भूपेश है तो भरोसा है, ये उन्होंने समाप्त करके ये साबित कर दिया कि भूपेश के नेतृत्व में नहीं, सामूहिक नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव लड़ने जा रही है। इसका मतलब भूपेश पे भरोसा समाप्त हुआ। अब भरोसे का सम्मेलन लाकर ये विश्वास दिलाना चाह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में विश्वास कैसे विश्वास करेगी छत्तीसगढ़ की जनता। छत्तीसगढ़ की जनता ठगी हुई है। छत्तीसगढ़ की जनता शराबबंदी का इंतजार करते करते 5 साल निकाल दिया। 10 लाख नौजवान की इंतजार करते बेरोजगारी भत्ता के लिए भटक रहे। लाखों कर्मचारियों को स्थायी करने की मांग को लेकर कर्मचारी आंदोलनरत रहे, 5 साल कुछ नहीं हुआ। वृद्धावस्था, विकलांग पेंशन, 2 साल का बोनस देने का बड़ा वादा उन्होंने किया था, आज तक वो वादे कहाँ गए। ये भरोसा तो समाप्त हो चुका है। और दूसरा, घोटाले की सरकार, इन्होंने छत्तीसगढ़ को सिर्फ और सिर्फ लूटा है, लूटा है, लूटा है। ऐसी भ्रष्ट और करप्ट सरकार हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, जहाँ रोज़ नए घोटाले, रोज़ नए प्रकरण निकल रहे हैं। हजारों करोड़ की शराब घोटाले, 500 करोड़ से ऊपर के कोल घोटाले, ये सरकार लगातार, और ये डॉक्टर रमन नहीं कह रहा है, ये ईडी के पूरी जानकारी लेने के बाद जो इन्होंने न्यायालय में 13,000 पेज का जवाब प्रस्तुत किया, उसमें स्पष्ट कर दिया कि सरकार का सभी अंग भ्रष्टाचार में लिप्त है। अब नया घोटाले की भ्रष्टाचार महादेव ऐप निकल के आया है।
अब सट्टा में, जुआ में, ऑनलाइन गेमिंग में कितना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसके सूत्र सीधे सीधे मुख्यमंत्री सचिवालय से जुड़े हुए हैं, उनके ओएसडी इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके सलाहकार इसमें लिप्त हैं। ये दुनिया, हिंदुस्तान में ऐसी कोई सरकार नहीं होगी जहाँ जुआ हो, सट्टा हो, अपराध हो, शराब हो, कोयला हो, जमीन घोटाले हो, सब घोटाले में यदि सूत्रधार है तो मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द के लोग। आज 7-7 महीने से जमानत नहीं मिल पा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि सारे तथ्य और सारे सबूत जो प्रस्तुत किए गए हैं न्यायालय में वो इतने मजबूत हैं कि न्यायालय भी मानती है कि व्यापक स्तर में इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, और इसलिए छत्तीसगढ़ में हम परिवर्तन यात्रा लेके जा रहे हैं कि ये सरकार को बदलने का वक्त आ गया है और डबल इंजन की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तो निश्चित रूप से आने वाला कल जैसे 15 साल हमने विकास किया था, वैसा ही विकास हिंदुस्तान के, छत्तीसगढ़ के एक एक गांव में होगा। इस पार्टी योजनाबद्ध तरीके से, स्टालिन की बात छोड़ें, कांग्रेस के पदाधिकारियों की बात छोड़ें, कर्नाटक के मंत्रियों की बात छोड़ें, इनके छोटे से बड़े कार्यकर्ता एक विषय को लेकर पूरी शक्ति लगाए हैं, और वो लगाए हैं सनातन धर्म पर आक्रमण करने के लिए। यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ का परंपरा है, यहाँ का धर्म है, ये वैदिक काल से है। ये धर्म की स्थापना कोई 100, 200, 500 साल पुरानी नहीं है, ये वैदिक काल से सनातन धर्म है। और सनातन इसलिए कहा जाता है, ये हजारों साल से इस देश की संस्कृति और परंपरा का हिस्सा है। और ये लगातार जो आक्रमण हो रहा है सनातन धर्म, इसके पीछे ईसाई मिशनरी, सोनिया गांधी, कांग्रेस पार्टी योजनाबद्ध तरीके से एक आक्रमण की रणनीति बना के सनातन पर आक्रमण करने की प्रयास कर रहे हैं। और मुझे लगता है ये सब मिलीभगत है, सब मिलके इस प्रकार की बात करते हैं ताकि हिंदुओं के बीच मतभेद हो। आज हिंदू देश में सबसे ज़्यादा मजबूत स्थिति में संगठित रूप से है, उनके स्वाभिमान, उनके गौरव को बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज उनकी आस्था के प्रतीक भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया अंतिम स्थान में है, इससे बौखलाहट हो रही है। वो कांग्रेस जो भगवान राम के अस्तित्व को नकारती थी, आज राम राम बोलने को मजबूर हुए। और केंद्रीय मंत्रियों ने तो हमारा अनुभव है, और ये अनुभव मैं तो कह सकता हूँ, जब 2003 में प्रदेश अध्यक्ष बना था और उस समय कांग्रेस के सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए एक बड़ी यात्रा दोनों जगह से निकाली गई थी, और मुझे लगता है उसका बड़ा रिजल्ट मिला और हम 15 साल के लिए सरकार में बने, तो मुझे लगता है यात्रा से एक संदेश जाता है। दूसरा, इस यात्रा में एक बड़ा मैसेज जाएगा, माननीय मोदी जी के 9 साल की उपलब्धि, गांव, गरीब और किसान, जनता के लिए, आम आदमी के जीवन में क्या 2014 में देश की स्थिति थी, और 14 के बाद आज यदि 2023 में बैठे हैं तो हिंदुस्तान में या छत्तीसगढ़ में या गांव में क्या परिवर्तन आया। करोड़ों शौचालय, 11 करोड़ से ज़्यादा शौचालय का निर्माण यदि हो गया, 2,38,00,000 से लेकर आवास का निर्माण हो गया छत्तीसगढ़ के और पूरे हिंदुस्तान में, करीब करीब 45 करोड़ खाते खोलने का काम जनधन खाते में हुआ, 10,00,000 तक के इलाज की योजना हुई, कोविड काल में 80 करोड़ परिवारों को 5 रुपये किलो चावल देने की, निःशुल्क 5 किलो चावल देने की व्यवस्था करीब करीब 18 महीने तक माननीय मोदी जी ने किया, हिंदुस्तान के सभी लोगों को 200 करोड़ से ज़्यादा निःशुल्क वैक्सीन लगाने का काम किया, और विकास में हिंदुस्तान के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो छलांग आई है, देश का मान सम्मान और गौरव ही बढ़ा है। सड़कों का जाल बिछाने का काम, 7,00,000 किलोमीटर सड़कों का जाल बिछाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ, कनेक्टिविटी बढ़ी है,
गांव-गांव में, पंचायतों में इंटरनेट कनेक्टिविटी की सुविधा भारतीय जनता पार्टी के मोदी सरकार ने गांव पे दिया है, तो ये एक विकास की लंबी छलांग। और सबसे बड़ी बात, 14 तक जो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा था ये देश, रोज़ नए नए घोटाले हुआ करते थे, आज ये हम दावे के साथ कह सकते हैं 14 के बाद, सरकार बदलने के बाद 2023 तक एक ईमानदार और स्वच्छ सरकार हिंदुस्तान में देखा, जिन्होंने देश को गौरवशाली स्थान में पहुंचाया। विश्व की इकोनॉमी में आज हम यदि 5वें स्थान में पहुंचे हैं, तेज़ी के साथ हमारा विकास संभव हुआ है। ये संदेश लेकर मोदी जी का हम गांव-गांव में सब जाएंगे। 5 सितंबर की सुबह सेक्टर 4 में पानी टंकी ढहने के मामले में भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने सांसद विजय बघेल की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि एक ओर जहां टंकी ढहने से लोगों के सामने पानी का संकट पैदा हो चुका है, वहीं दूसरी ओर लोगों की सेवा करने के बजाय सांसद सफाई कर फोटो खिंचवा रहे हैं, जबकि घटना दिनांक से ही नगर निगम द्वारा अपनी नैतिक जिम्मेदारी मानकर लोगों को साफ पानी पहुँचाने का काम किया जा रहा है। सांसद विजय बघेल बोर्ड के सदस्य होने के बाद भी बीएसपी टाउनशिप की किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि इस दुर्ग जिले के सांसद जी का जो रवैया टंकी गिरने के मामले में रहा, वो बेहद निराशाजनक रहा। वो स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य हैं और उसके बावजूद जब उनको व्यवस्थाओं को सुधारने की ओर ध्यान देना चाहिए, तो 10 मिनट एक पॉलिटिकल स्टंट करके यहाँ पर झाड़ू लगाकर निकल गए। ये ठग की भूमिका उन्होंने निभाई, जो जिस पर हमको आपत्ति है, उनको ठग नहीं बनना चाहिए। वो सांसद हैं, यहाँ के सांसद के रूप में उनको यहाँ पर बीएसपी प्रबंधन जो गैर जिम्मेदाराना रवैया अपना रही है, उसमें चूंकि वो जिम्मेदार व्यक्ति हैं और दुर्ग जिले के सांसद है, उसमें उनको कदम उठाना चाहिए और काम करना चाहिए। नगर प्रशासन के द्वारा, भिलाई नगर निगम के द्वारा सेक्टर 4 में टैंकर की व्यवस्था, बोर की व्यवस्था, वाटर एटीएम की व्यवस्था और आरओ प्लांट की व्यवस्था की गई है। घर घर पानी पहुंचाने के लिए लगभग 15,000 जार नगर निगम की तरफ से मंगाए जा रहे हैं। सेक्टर 5, सेक्टर 1, जहां जहां टंकियां का पानी रोका गया है, वहां पर आरओ नए प्लांट कल तक तैयार कर दिए जा रहे हैं। टैंकर से भी पानी देने की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन इस समय सब चीज़ों में एक 5 मिनट का स्टंट कर सांसद जी निकल गए, जिनको यहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं केंद्र सरकार के माध्यम से और ये पीएसयू है, ये सेल बोर्ड के माध्यम से यहाँ पे करनी थी। देखिए, हमारी बीएसपी प्रबंधन से लगातार चर्चा चल रही है। हम ये चाहते हैं बीएसपी प्रबंधन से कि वो स्थायी व्यवस्था भी करे। अभी पाइपलाइन डिस्ट्रीब्यूशन को डायरेक्ट करने का वो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उससे केवल और केवल कुछ एरिया में पानी पहुंचेगा और प्रेशर भी नहीं रहेगा। लेकिन पैरेलल व्यवस्था जो अस्थाई भी लोगों को देनी है, क्योंकि अभी एक हफ्ते तक तो टेस्टिंग पीरियड रहेगा कि हम उसके बाद रिजल्ट पे आएंगे कि कहां तक बीएसपी पहुंच पा रहा है, कहां तक नहीं पहुंच पा रहा है। लेकिन ये एक हफ्ते की भी व्यवस्था में अगर बीएसपी हाथ उठा देगा और बोलेगा उसके पास इसके लिए धन खर्च करने के लिए नहीं है, तो फिर इतना बड़ा प्लांट यहाँ के रहवासियों को अगर पानी पिलाने में भी वो कह देगा कि हमारे पास इसके लिए पैसा नहीं है, तो आपातकाल भूमिका कहाँ गई बीएसपी की जो पहले होती थी। तो ये सब पे सवाल है और ये सब के अगर कोई जिम्मेदार हैं तो हमारे आदरणीय माननीय बहुत ही कर्मठ झाड़ू लगाने वाले सांसद जी हैं। देखिए, ये व्यवस्था अच्छी थी तभी तक, अभी तक कोई बात नहीं थी। जब व्यवस्था चरमराई है तभी तो ये आज बात हो रही है। ये अगर पहले से इसका विकल्प बीएसपी ने तैयार किया होता तो आज ये परेशानी नहीं होती। आज ये परेशानी जो आई है 3 दिनों से, जो सेक्टर 4 में आई और आज सेक्टर 5 और 1 में आ रही है, अभी इसकी वैकल्पिक व्यवस्था कर रहे हैं। आने वाले दिनों में बाकी भी जो चीज़ें हैं उसको भी समय समय के हिसाब से किया जाएगा। हमारे जो साथी हैं वो लगातार ऐसे लोगों को चिन्हांकित करके उनके घरों तक, जैसे कल शाम को एक फ़ोन आया मेरे पास सड़क नंबर 32 4D से कि 2 लोग, कोई शुक्ला परिवार है, वो हस्बैंड वाइफ रहते हैं, उनका फ़ोन आया कि हम लोग पानी भर के ऊपर नहीं ला सकते हैं। तो हमारे जो साथी सेक्टर 4 में थे
उनको मैंने फ़ोन से सूचित किया, वो लोगों ने उनके घर जाके बाल्टी और जार के माध्यम से उनके घर में पानी पहुंचाया। ये सब व्यवस्था जो अचानक से हुआ है उसके कारण हो रहा है, लेकिन हमारा प्रयास है कि हर हर घर तक के, हर आदमी तक के हम लोग पेयजल और दैनिक उपयोग का जो पानी की जो व्यवस्था है उसको कर सके। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयां, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हां, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, यहां पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्तरोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ ना होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा ना होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। मैया गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंगरीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर दुर्ग, मोबाइल नंबर 9981659182। धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। जी हाँ, धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में खेतों में काम आने वाले हार्वेस्टर उच्च क्वालिटी व गुणवत्ता के दुर्ग कमला मोटर्स में उपलब्ध। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन, मजबूती का हाथ किसानों के साथ। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन, मजबूती का हाथ किसानों के साथ। पानेसर 5C9500 डीलक्स मॉडल। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन मशीन कृषकों की सुविधा का ख्याल रखते हुए अब हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। साथ ही साथ सभी तरह के हार्वेस्टर। हमारा पता कमला मोटर्स, जीई रोड, गंजपारा, दुर्ग। तो देर किस बात की है। कृष्णा पब्लिक स्कूल, नेहरू नगर, भिलाई। कृष्णा पब्लिक स्कूल सेशन 2023-24 एडमिशन ओपन। आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कृष्णा पब्लिक स्कूल। आवश्यक सुविधाएं, प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, वेल फर्निश्ड क्लासरूम, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ बाहर से आए स्टूडेंट्स के लिए सर्व सुविधा युक्त हॉस्टल सुविधा। तो बता दें, कृष्णा पब्लिक स्कूल अनुभवी शिक्षकों के द्वारा विद्यार्थियों को अध्ययन कराया जाता है। कृष्णा पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता कृष्णा पब्लिक स्कूल भिलाई, कॉन्टेक्ट नंबर 07884030903, 07882229714, मोबाइल नंबर 7389740903, 7389840904। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रामा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है।
हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे MRI, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ECG, EEG, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता BM शाह हॉस्पिटल एवं मेडिकल रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई। फोन नंबर 777-30-777-11-777-30-777-22। धरती सुनहरी, अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा प्रदेश है मेरा। खेतों में लहलहाती इन फसलों को देन है हार्वेस्टर मशीन की। जी हाँ, केस कंबाइंड हार्वेस्टर मशीन खेतों में अहम भूमिका निभाते हैं। उच्च क्वालिटी, उच्च गुणवत्ता के केस कंबाइंड हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। देश और विदेश के किसानों की पहली पसंद मल्टी क्रॉप केस कंबाइन मशीन। किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। केस का वादा, खर्चा कम, काम ज्यादा। किसान ग्राहकों की मांगों पर खरा उतरने वाले कमला मोटर्स में केस कंबाइन मशीन उपलब्ध है। केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन। हमारा पता कमला मोटर्स, गंजपारा, GE रोड, दुर्ग। मोबाइल नंबर 1 के बाद आप सबका स्वागत है। मौसम में हो रहे बदलाव के मद्देनजर लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल सुपेला की OPD में प्रतिदिन मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। मरीजों की संख्या के मद्देनजर यहां चिकित्सकों का अभाव बना हुआ है। सुपेला स्थित लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सालय की OPD में प्रतिदिन मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। इसे देखते हुए अस्पताल प्रबंधन द्वारा सभी चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। मौसम में लगातार हो रहे उतार चढ़ाव के मद्देनजर सर्दी, खांसी, बुखार, उल्टी, दस्त आदि से पीड़ित दूर दराज के क्षेत्र से मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं, जिसके लिए अस्पताल प्रशासन द्वारा दवाओं सहित इलाज की समुचित व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। महिला संबंधी रोगों के उपचार के लिए महिला चिकित्सक को भी तैनात किया गया है। डेंगू से बचाव और उपचार को लेकर भी अस्पताल प्रबंधन द्वारा व्यापक प्रबंध किए गए हैं। अस्पताल में लगातार बढ़ रही मरीजों की संख्या के मद्देनजर अब भी डॉक्टरों का अभाव बना हुआ है, जिसकी वजह से मरीजों को परेशान होना पड़ रहा है। इलाज को लेकर मरीज सुबह 8 बजे से ही अस्पताल पहुंचने लगते हैं। मरीजों के एक दूसरे के संपर्क में आने की वजह से इन्हें दूसरे अन्य बीमारियों के संक्रमण की चपेट में आने का अंदेशा भी बना हुआ है। मरीजों की संख्या और उपचार को लेकर अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर स्वामी देव भूपेंद्र ने जानकारी दी। जी, अभी वर्तमान में मौसम के परिवर्तन होने के कारण सर्दी, खांसी एवं बुखार के मरीज लगातार आ रहे हैं। सभी मरीजों को स्वास्थ्य शिक्षा दिया जा रहा है एवं बताया जा रहा है ताज़ा भोजन का सेवन करें, उबला पानी पिए और बाहर का जो खाना है खाने से बचें, और साथ में अभी पानी इकट्ठा हो रहा है तो घर में बन पानी इकट्ठा ना होने दें एवं डेंगू के मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी का उपयोग करें एवं फुल बांह के शर्ट एवं पैंट का उपयोग करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। बहरहाल लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में बढ़ रही मरीजों की संख्या के मद्देनजर अस्पताल प्रबंधन को डॉक्टरों की संख्या बढ़ाए जाने की जरूरत है, जिससे सही समय पर मरीजों को उचित उपचार मिल सके। साथ ही OPD में बढ़ती भीड़ के मद्देनजर यहां OPD पर्ची काटने अतिरिक्त काउंटर भी खोले जाने की जरूरत है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता व पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने धान उपार्जन को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा लिखे गए चिट्ठी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल धान उपार्जन की मात्रा बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिख रहे हैं। जब केंद्र सरकार ने 85 लाख टन धान खरीदने की घोषणा की थी, तब मुख्यमंत्री का बयान था कि देश में खाद्यान्न संकट है, इनको चावल लेना मजबूरी है, कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। अब 61 लाख टन कर दिया गया तो वे चिट्ठी लिख रहे हैं कि इसे बढ़ाया जाए। आपका खेल समाप्त हो चुका है, आप बेनकाब हो चुके हैं, इसलिए राजनीति करना बंद कीजिए। छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी धान उपार्जन की मात्रा बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिख रहे हैं। जब केंद्र सरकार ने 85 लाख टन धान खरीदने की घोषणा की थी, तब माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान था कि देश में खाद्यान्न संकट है, इनको चावल लेना मजबूरी है, कोई एहसान नहीं कर रहे हैं करके। अब 61 लाख टन कर दिया गया तो वो चिट्ठी लिख रहे हैं कि इसको बढ़ाया जाए। इनके मंत्री कहते हैं विधानसभा में कि केंद्र सरकार हमको कोई मदद धान खरीदी के लिए नहीं करती, चावल भी हम अपने दम पर व्यवस्थित कर लेंगे, किसी की हमको जरूरत नहीं है। तो आज पत्र लिख के
क्या बताना चाहते हैं? चावल उपार्जन पर वो सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं? आप कुछ भी घोषणा विधानसभा में कर दें और उसके लिए बाहर निकल के राजनीति करें, ये छत्तीसगढ़ की जनता स्वीकार नहीं करेगी। आपने ग्रामीण आवास के बारे में विधानसभा में कहा था कि हम ग्रामीण क्षेत्रों का आर्थिक सर्वे करवाएंगे, सामाजिक आर्थिक सर्वे करवाएंगे और उसके बाद मकान की स्वीकृति करेंगे। अब आप केंद्र सरकार को पत्र लिख रहे हैं। विधानसभा में आपने नहीं कहा था कि केंद्र सरकार को पत्र लिख के मैं ग्रामीण आवास की स्वीकृति करूंगा। आपने सर्वे एक बार नहीं दो बार करवा लिया। आज की तारीख तक एक भी ग्रामीण आवास की स्वीकृति नहीं हुई है और न ही पुरानी स्वीकृति के लोगों को किस्त मिल रहे हैं। तो आप गरीबों के साथ भी राजनीति कर रहे हैं, किसानों के साथ भी राजनीति कर रहे हैं और चुनाव के समय जब आपको असफलता दिख रही है तो सिर्फ और सिर्फ चिट्ठी पर आपकी राजनीति टिकी हुई है, केंद्र सरकार की आलोचना पर आपकी राजनीति टिकी हुई है और फर्जी बयानों पर और फर्जी विज्ञापनों पर आपकी राजनीति टिकी हुई है। अब आपका खेल समाप्त हो चुका है, आप बेनकाब हो चुके हैं, आपकी पार्टी बेनकाब हो चुकी है। इसलिए राजनीति करना बंद कीजिए और छत्तीसगढ़ की जनता को आवास उपलब्ध करवाइए और दाना दाना धान खरीदिए जैसा आपने घोषणा पत्र में लिखा है। और बाकी सब बातें जो आप कह रहे हैं वो कोई भी विश्वास नहीं करेगा आपकी बयानबाजी में। जय हिंद, जय भाजपा। इन दिनों भिलाई के नेहरू नगर में सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा है जिससे यातायात व्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। नेहरू नगर चौक में एक भव्य घड़ी का निर्माण किया गया है। शहर के व्यस्ततम चौराहों में से एक नेहरू नगर चौक में 24 घंटे हजारों वाहनों का आना जाना लगा रहता है। चौक के किनारे हो रहे इस निर्माण कार्य के कारण आम जनता को खासी परेशानियों का सामना करते देखा जा रहा है। दिन भर में दर्जनों बार यहां जाम की स्थिति निर्मित हो रही है। सर्विस लेन एवं मेन रोड में हर समय दुर्घटना का भय बना रहता है। निगम महापौर नीरज पाल ने मीडिया को अपनी प्रतिक्रिया इस मामले में इस प्रकार से दी है। देखिए, ट्रैफिक व्यवस्था तो पूरी तरह से वहाँ चरमराई हुई थी। नेहरू नगर चौक में दो तरफ रोड बनने से बहुत आसान हुआ है। अब थोड़ी सी परेशानी, क्योंकि वहाँ अभी काम चल रहा है, वो काम जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा वहाँ का नेहरू नगर चौक का, तो ट्रैफिक व्यवस्था भी सुचारू हो जाएगी। अब वो तो देख के जाना पड़ेगा। ऐसे तो इस सेक्टर में अपने हर रोड में जा रहा, बिना देखे जाएंगे तो टकराएंगे, वो तो देख के चलना ही पड़ेगा ना। हर जगह पे सिग्नल तो लग नहीं सकता है, तो वो सर्विस रोड है। सर्विस रोड से जब मेन रोड पे कहीं पे भी आप आएंगे तो आपको खुद अपनी उसको अलर्ट होगा। मान लो ये मेन रोड सेंट्रल एवेन्यू है, यहाँ से जो जा रहा है वो नहीं देखेगा तो टकराएगा ही ना उससे। वो सर्विस रोड है जो आपकी प्रियदर्शनी परिसर से मेन रोड में आ रही है, तो उसको अपना देख के लेफ्ट राइट देख के पार करना है। जी जी, पूरा पुख्ता इंतजाम करेंगे, निश्चिंत रहिए आप, उसके लिए कोई वो नहीं है। ट्रैफिक व्यवस्था बनाने के लिए हमने वो किया। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। टेंशन ना लो, शिवा लो। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं नर्सरी से कक्षा 8वीं तक। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर ACC बोगदापुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निशुल्क प्रवेश स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए। इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है, पुस्तकालय सुविधाएं हैं, CCTV कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पस हॉल,
महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस, निकट ACC बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में। अब किसानों की समस्याओं का हुआ समाधान। जी हां, अब दुर्ग जिले सहित अन्य जिलों के किसान भी हुए खुशहाल। आपके अपने शहर दुर्ग जिले में खुल गया है कमला मोटर्स, जहां उपलब्ध है ज्यादातर कंपनियों के हार्वेस्टर, उच्च क्वालिटी के हार्वेस्टर, चले सालों साल, करे किसानों को मालामाल। पानेसर, सोनालिका, एस और केस ग्रुप के सबसे शक्तिशाली हार्वेस्टर। इनमें कई विशेषताएं हैं, जैसे ऑटो क्लीनर, रेडिएटर, 5 स्पीड वाला गियर बॉक्स, पावर कोटिंग रियल टाइम, अत्यधिक टिकाऊ फिंगर्स, स्टेनलेस स्टील कटर बार, नई मजबूत बॉडी और नए ग्राफिक्स। कमला मोटर्स की विशेषताएं, कुशल एवं जानकार इंजीनियर्स द्वारा हार्वेस्टर्स की जानकारी उपलब्ध कराना, सबसे बेहतर सर्विस सहित किसानों को उचित सलाह देकर किसानों को हार्वेस्टर के जरिए अत्यधिक लाभ दिलाना, साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा हार्वेस्टर्स की सर्विसिंग और इन सबसे ऊपर एक व्यवहार कुशल प्रबंधन और स्टाफ। कमला मोटर्स, ग्राहकों के विश्वास पर खरा। हमारा पता कमला मोटर, GE रोड, गंजपारा, दुर्ग। कॉन्टेक्ट नंबर 9039879080। ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। नेशनल हाईवे में नेहरू नगर चौक से कुछ मीटर दूर हुआ गड्ढा वाहन चालकों के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। लंबे वक्त से हुए गड्ढे को भरने किसी भी जिम्मेदार विभाग ने अब तक पहल नहीं की है। नेशनल हाईवे में नेहरू नगर चौक से लगभग 100 मीटर दूरी पर सड़क के बीचों बीच हुआ एक गड्ढा दो पहिया चालकों के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। पूर्व में छोटे से स्वरूप से हुआ यह गड्ढा अब बड़ा हो चुका है। 24 घंटे इस रास्ते से सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही बने रहती है, जिसमें दो पहिया वाहन बड़ी संख्या में शामिल हैं। दो पहिया चालकों की थोड़ी सी भी लापरवाही उन्हें गंभीर हादसे का शिकार बना सकती है। यहाँ रात के समय स्थिति और भी खतरनाक हो जाती है। गड्ढे की स्थिति से अनजान दो पहिया चालक जान जोखिम में डालकर यहाँ से गुजरते हैं। गड्ढे के समीप ही नेहरू नगर चौक है, जिसका सौंदर्यीकरण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। नगर निगम सहित PWD के अधिकारियों की आवाजाही इस मार्ग से बने रहती है, लेकिन सभी ने इसे उपेक्षित छोड़ दिया है। नेशनल हाईवे का कंक्रीट उखड़ जाने की वजह से ऐसी स्थिति बनी है। पूर्व में एक गड्ढा हुआ और उसके आसपास अब लगातार गड्ढे होते चले जा रहे हैं। रायपुर से दुर्ग मार्ग के बीच इस गड्ढे का संधारण यदि शुरुआत में ही कर दिया जाता तो ऐसी स्थिति निर्मित नहीं होती। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।
लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में पोस्टमार्टम कक्ष के सामने पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होने से जल भराव की स्थिति निर्मित हो रही है, जिससे डॉक्टरों और कर्मचारियों सहित पोस्टमार्टम के बाद शव लेने आए मृतकों के परिजनों को परेशान होते देखा जा रहा है। लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में सुपेला में नए भवन के सामने बनाए गए पोस्टमार्टम कक्ष के समीप नालियों का निर्माण नहीं होने की वजह से हल्की सी बरसात में ही यहाँ पानी भर जाता है, जिससे पोस्टमार्टम कक्ष आने वाले डॉक्टरों और कर्मचारियों को परेशान होना पड़ता है। डॉक्टरों को पोस्टमार्टम कक्ष तक पहुंचाने वाहनों का सहारा लेना पड़ता है। पानी के लगातार एक ही जगह पर एकत्र रहने की वजह से यहां डेंगू के लार्वा पनपने की संभावना भी बढ़ी है। वहीं अस्पताल की बाउंड्री वॉल से लगे एक संस्थान का पानी अस्पताल परिसर में लगातार गिरता रहता है, इसकी वजह से भी यहाँ जल जमाव की स्थिति बने रहती है। पिछले कई दिनों से ऐसी स्थिति बनी है। जल जमाव की स्थिति बनने से डॉक्टरों कर्मचारियों सहित डेड बॉडी लेने आए परिजनों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ा खतरा एकत्र पानी में डेंगू के लार्वा पनपने का है। इससे स्थिति कभी भी खतरनाक हो सकती है, क्योंकि अस्पताल में मरीजों की भीड़ लगे रहती है। जल जमाव की स्थिति बनने से रोकने निगम प्रशासन को तत्काल यहाँ पानी निकासी के लिए नालियों का निर्माण किए जाने की जरूरत है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। नगर निगम भिलाई चरोदा द्वारा महापौर निर्मल कोसरे के नेतृत्व में चरोदा बस स्टैंड के व्यापारियों को पेड़ लगे गमलों का वितरण किया गया। वहीं चुनाव के इस महापर्व पर जागरूक बने मतदान करें का संदेश भी दिया गया। पर्यावरण संरक्षण के लिए लोग जगह जगह पेड़ लगाते हैं, ऐसे में नगर निगम भिलाई चरोदा द्वारा एक अभिनव पहल की गई है। यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि चरोदा बस स्टैंड के व्यापारियों को महापौर निर्मल कोसरे द्वारा पेड़ लगे गमलों का वितरण किया गया, जिससे सड़क किनारे हरियाली बरकरार रहे। चूंकि सड़क किनारे स्थानाभाव की वजह से पेड़ नहीं लगाए जा सकते हैं, अतः हरियाली को बरकरार रखने के लिए इस तरह की अनूठी पहल महापौर के द्वारा की गई है। जल्द ही चुनावी समर भी प्रारंभ होने जा रहा है, ऐसे में लोगों में पर्यावरण को लेकर जागरूकता के इस संदेश की लोग बेहद प्रशंसा कर रहे हैं। साथ ही चुनाव के इस महापर्व पर जागरूक बने मतदान करें का संदेश भी दे रहे हैं। भिलाई टीम में इससे पहले भिलाई टीम के व्यापारियों को भी हम लोग पौधा वितरण किए थे, गमला के साथ पौधा वितरण। छत्तीसगढ़ सरकार की अभिनव पहल के चलते नेशनल हाईवे के सामने जो है पेड़ लगा पाना संभव नहीं होता, लेकिन व्यापारी भाई वहाँ पर रहते हैं, उसी तर्ज में नगर निगम भिलाई चरोदा के द्वारा आज चरोदा के व्यापारी साथियों को पौधा वितरण किया गया। साथ ही साथ उसमें गमला के साथ लोगों ने उनको पौधा दिया है और उन लोगों से अपील किया है कि इस पौधे को आप जीवित भी रखें और उसमें पानी भी डालिए। साथ ही साथ हम लोगों ने अभी जो सबसे बड़ा पर्व चुनाव का पर्व जो होने वाला है, उसके लिए सबको मतदान करने के लिए भी हम लोगों ने लोगों को अपील भी की। इस मौके पर महापौर निर्मल कोसरे के अलावा निगम के अधिकारी, कर्मचारी, वार्ड पार्षद, एमआईसी सदस्य सहित व्यापारीगण शामिल रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। राम जानकी मंदिर परिसर कैंप एक में वार्ड की पार्षद द्वारा प्रगति नगर में प्रतियोगिता नामक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को घर से बाहर निकालकर मनोरंजन करना था। ये प्रतियोगिता जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर आयोजित की गई थी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर अब भी कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में वार्ड 30 की पार्षद सत्या देवी जायसवाल ने प्रगति नगर में प्रतियोगिता कार्यक्रम का आयोजन कराया। यह कार्यक्रम पूर्णतः महिलाओं के लिए आयोजित किया गया था और इस कार्यक्रम का उद्देश्य था कि महिलाएं अपने फुर्सत के पल निकालकर घर से बाहर निकलें और मनोरंजन की दुनिया में खो जाएं। इस कार्यक्रम के तहत महिलाओं के लिए कुर्सी दौड़, रंगोली प्रतियोगिता, मेहंदी प्रतियोगिता एवं इसके साथ अन्य प्रतियोगिताएँ भी कराई गई, जिसमें क्षेत्र की महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और मनोरंजन के दरिया में गोते लगाते नजर आईं। इस आयोजन में सभी प्रतियोगिताओं के लिए निर्णायक मंडल भी उपस्थित था, जिन्होंने बहुत ही बारीकी के साथ सभी प्रतियोगिताओं में विजेता और उपविजेता की घोषणा करी। कार्यक्रम की जानकारी जहाँ वार्ड 30 की पार्षद सत्या देवी जायसवाल ने दी, वहीं निर्णायक मंडल ने भी ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन होते रहने की बातें कही हैं। कृष्ण जी का जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में हमने प्रोग्राम रखा है और सभी महिलाओं को इनवाइट किया इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। और इस प्रोग्राम में हम लोगों ने 15 गेम रखा हुआ है, तो सभी महिलाएं बड़े ही उत्साह से बढ़ चढ़ करके इसमें भाग ली हैं। कुर्सी दौड़ है, जैसे कंची चम्मच में रख करके चलना, और झुमका मतलब गजरा, कंगना, ऐसे बहुत सारे प्रतियोगिता हम लोगों ने रखी हुई है यहाँ पर। तो सभी महिलाओं ने भाग लिया हुआ है इसमें,
और भाग लेना और इस मंच तक पहुंचना, घर से निकल करके मंच मिलता है जो महिलाओं को, उसमें जो उनका उत्साह दिखता है ये बहुत अच्छा लगता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक महिला के द्वारा महिलाओं को प्रोग्राम करवाया जाए और इसमें इंजॉय किया जाए और मजे मस्ती थोड़े से हो भी हो जाएं जी। तो उन्हें भी बोला गया है कि आप लोग थोड़ा सा मतलब कृष्ण जी की छवि में आए और राधा जी की छवि में आए, तो उनके लिए भी पुरस्कार रखा गया है। जो बच्चा सबसे ज़्यादा क्यूट दिखेगा उसमें उसे पुरस्कार दिया जाएगा। और क्या है, राधा के रूप में और कृष्ण जी के रूप में तो सारे बच्चे ही क्यूट दिखने वाले हैं, तो उनके लिए भी पुरस्कार वगैरह रखा गया है यहाँ पे। और बच्चे बड़े ही खूबसूरत तैयार होकर के आए हैं और बहुत ही सुंदर दिख भी रहे हैं। और महिलाएं जिस हिसाब से यहाँ पे आई हैं और भाग ले रही हैं, यह देख करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और महिलाएं भी काफ़ी खुश नज़र आ रही हैं भैया इस चीज़ को लेकर के। तो मेरा तो यही मानना है कि हमेशा ये प्रोग्राम होते रहना चाहिए इसी तरह, और सभी महिलाएं बढ़ चढ़ करके इसमें भाग लें। थैंक यू। हाँ, हमारी यशस्वी सत्या देवी जी जो पार्षद हैं वो बहुत अच्छा कार्यक्रम करवा रही हैं, क्योंकि वो महिलाओं के प्रति बहुत जागरूक है और सभी महिलाओं को साथ लेकर वो बहुत सभी कार्यक्रमों में भाग लेती हैं और महिलाओं को इकट्ठा करके उनको प्रतियोगिता में भाग लिवा रही हैं। इस प्रकार से महिलाएं बहुत उत्साहित भी हैं, उत्साहित होकर जो महिलाएं घर के काम से अपना समय निकाल के और सभी एक्टिविटी में भाग ले रही हैं, ये बहुत अच्छा लग रहा है और ये होना भी चाहिए। उन्होंने ये बहुत अच्छा आयोजन किया हुआ और वो महिलाओं के प्रति बहुत आगे, महिलाओं को हर चीज़ में आगे रखने के लिए बहुत उत्सुक रहती हैं, इसलिए उन्होंने सब ये प्रतियोगिता रखाई ताकि महिलाएं अपना बिजी शेड्यूल निकाल के कुछ समय अपने लिए जिए, अपने लिए प्रतियोगिता, खेल कूद, बचपन के दिन याद करें, ये सब उन्होंने आयोजन किया है। तो ये बहुत उत्साहवर्धक है और आगे भी वो इसी प्रकार का हम आशा करते कि प्रोग्राम करते रहेंगे। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, सब लोग इतने उत्साहित लग रहे हैं और बहुत अच्छा एंजॉय कर रही हूँ मैं, इसको एंजॉय कर रही हूँ देखकर। अपने बारे में बताइए, क्या आपको कुछ याद आ रहा है, कभी आपने भी ऐसी प्रतियोगिता में? मैं भी बहुत रही हूँ, मैं नव भारत में बहुत प्रतियोगिता में जीती हूँ, मैं सुरुचि क्लब में बहुत सब चीज़ में रहती थी, मैं सुरुचि क्लब में आगे रहती थी, कई जगह हमको फर्स्ट प्राइज मिला है, मेरे को उसमें भी सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि आज की महिला आज बहुत ऊँची उठ गई हैं, यानी कि मतलब अब घरेलू टाइप की नहीं लड़कियाँ सब रही हैं, सब आगे पढ़ी लिखी हैं, सब कुछ पढ़ रही हैं सब कुछ। नगर पालिक निगम भिलाई के वार्ड 30 की पार्षद सत्या देवी जायसवाल लगातार प्रयत्न करती हैं कि क्षेत्र और वार्ड की महिलाओं के मनोरंजन के लिए अलग अलग प्रकार के नए नए आयोजन किए जाएं, जिसमें काफ़ी हद तक वे सफल होती भी नजर आती हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आप से लेंगे इजाजत, आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।